Dear students, I am Dr. Sasikant Tamrakar from Bharti College of Agricultural Engineering, Durg. I will teach theory of machine of BTEC first year, second semester class. Dear students, this is our next topic, that is belt, rope and chain drive. This is next chapter. The belt or rope are used to transmit power from one shaft to another shaft, one shaft to another shaft by means of pulleys. ठीक है, एक shaft ये driving shaft जाएगा, यहाँ एक driven shaft जाएगा, दोनों के बीच में आपको लगाना है, ये driven shaft जाएगा, एक driving shaft एक driven shaft, एक घुमा रहा है और दूसरा फिर उस पर घूम रहा है. ठीक है, तो दोनों के बीच में ऐसा रोप लग जाएगा, रोप या चेन या पुली कुछ भी लगा देंगे, बेल्ट लगा देंगे, जिससे ये ड्राइवर शाफ्ट और ये ड्रिवन शाफ्ट दोनों घूमने लगेंगे, ड्राइवर घुमाएगा ड्रिवन शाफ्ट को. ठीक है, सो दिस इज बेल्ट और रोप आई यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मींस ऑफ पुलीज विच रोटेट एट द सेम स्पीड और एट द डिफरेंट स्पीड. अब पुलिस है जो सेम साइज के होंगे तो सेम स्पीड में रोटेट करेंगे, या पॉसिबल है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में भी रोटेट कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब जो पावर ट्रांसमिट होने हैं वो इसके लिए फैक्टर्स हैं, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, जो बेल्ट यूज कर रहे हैं उसका वेलोसिटी क्या होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द टेंशन अंडर विच द बेल्ट इज प्लेस ऑन द पुली. तो जो पुली है उस पर किस टेंशन से बेल्ट बंधा हुआ है, ढीला है कि टाइट है ना, ये मेन अमाउंट हुआ. देन द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड स्मॉलर पुली. अब जो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट होता है हमारा, उसका आर्क जो होता है पुली पे, वो बोल रहा है द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुली. जो स्मॉलर पुली है वहां पर उसका कांटेक्ट कम होता है, लार्जर पुली पे कांटेक्ट ज्यादा होता है. जैसा ये देखें, ये लार्जर पुली है, ये स्मॉलर पुली है. ठीक है, ये दोनों के बीच ऐसा बेल्ट लगा हुआ है. ठीक है, तो अब जान सकते हैं यहाँ पे जो कांटेक्ट का एंगल होगा ये ज्यादा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट का एंगल कम होगा, दिस इज लेस. ठीक है, लेस एंगल होगा यहाँ पर. सो स्मॉलर पुली द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुली, इस पर डिपेंड करता है पावर ट्रांसमिटेड एंड द कंडीशन अंडर विच द बेल्ट इज यूज. सो दे आर नंबर ऑफ कंडीशन आर देयर. फर्स्ट, अ शाफ्ट शुड बी प्रॉपरली इन लाइन टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेंशन अक्रॉस द बेल्ट. ओके, shaft should be in line. Next, the pulley should not be too close together in order that the arc of contact on the smaller pulley may be as large as possible. So these are the factors and some more factors we discuss later. Here this is the open belt drive. Here this one bigger pulley is the driver that is keyed at point A, and the smaller pulley is driven keyed at point B. Here the point of contact of belt are L and here Q, and this one is the slack side, ढीला रहेगा ये, और यहाँ पर जो contact है M और R point पे है, means यहाँ slack side की contact L and M है और यहाँ पर tight side के contact Q एंड R है. तो एक पुली ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ओके, यहाँ पे साफ कनेक्टेड है, देन ये स्लैक साइड से जाके ये ड्रिवन पुली को घुमा रहा है, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है. अलोंग एंड वी आर डिस्कसिंग द कंडीशंस फॉर अंडर विच द बेल्ट इज यूज्ड. ये हम लोग कंडीशन बेल्ट के लिए कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. So, a long belt tends to swing from side to side. Long belt रहता है
वो साइड टू साइड घूमता है कॉजिंग द बेल टू रन आउट ऑफ द पुली विच इन टर्न डेवलप कुक्ड स्पॉट इन द बेल। तो ये क्या होता है, जो आपका पुली होता है वो पुली में साइड टू साइड, ठीक है, पुली के साइड साइड पे मूव करता है, ठीक है, एंड कॉजिंग द बेल टू रन आउट ऑफ द पुली विच इन टर्न डेवलप द कुक्ड स्पॉट इन द बेल। तो कई बार वो पुली से वैसा पुली से उतर भी जाता है बेल, वहां पे कुक्ड स्पॉट बन जाते हैं। द टाइट साइड ऑफ द बेल शुड बी एट द बॉटम, बॉटम साइड में टाइट साइड से बोल रहा है। सो वॉट एवर सैग इज प्रेजेंट ऑन द लूज साइड, लूज साइड में जो भी सैगिंग होगा विल इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट एट द पुली। ये ढीला हो जाएगा तो यहाँ पर ये पुली से चिपका हुआ रहेगा सैग साइड यहाँ पर, तो यहाँ पे आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा। फॉर गुड रिजल्ट विथ फ्लैट बेल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट शुड नॉट बी एक्सीड 10 मीटर। जिन दोनों शाफ्ट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। एंड द मिनिमम डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 3.5 टाइम्स, जो मिनिमम है दैट इज 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली। तो वो क्या होगा, लार्जर पुली के डायमीटर पे डिपेंड करेगा, उससे 3.5 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 3.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली। तो इस हिसाब से इनको हमको पुलिस को साइजेस होना चाहिए और दोनों के बीच में डिस्टेंसेस होना चाहिए, जिससे हम आगे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ अ बेल ड्राइव, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच द सिलेक्शन ऑफ बेल ड्राइव डिपेंड्स, दीज आर द मेन फैक्टर्स, स्पीड ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। सो विच टाइप ऑफ बेल ड्राइव और विच मटेरियल वी विल सेलेक्ट फॉर दिस, सो द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट स्पीड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन स्पीड रिडक्शन रेशियो, इफ यू हैव टू रिड्यूस द स्पीड फ्रॉम 100 RPM टू 50 RPM और 20 RPM टू 10 RPM, दैट इज द मेन फैक्टर व्हाइल सेलेक्टिंग अ बेल ड्राइव। देन पावर टू बी ट्रांसमिटेड, विच हाउ मच पावर इज टू बी ट्रांसमिट फ्रॉम दिस बेल ड्राइव इज द मेन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल सेलेक्टिंग द बेल ड्राइव। देन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट, एज इन अर्लियर टॉपिक वी हैव डिस्कस द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट, हियर द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन शाफ्ट लेआउट, द लेआउट ऑफ शाफ्ट वेयर द शाफ्ट्स आर कनेक्टेड एंड विच टाइप ऑफ रोटेशन वांट देयर। देन स्पेस अवेलेबिलिटी, हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल इन दैट इंडस्ट्री और इन द मशीन। देन द सर्विस कंडीशन, विच टाइप ऑफ सर्विसेस आर देयर वी हैव टू प्रोवाइड बाय दिस बेल ड्राइव। देन द टाइप ऑफ बेल ड्राइव, हियर थ्री टाइप्स ऑफ बेल ड्राइव आर यूज्ड। फर्स्ट इज लाइट ड्राइव, दे ट्रांसमिट स्मॉल पावर एट बेल स्पीड अप टू अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज लाइट, सो स्मॉल 10 मीटर पर सेकेंड, एज इन एग्रीकल्चर मशीन एंड मशीन टूल्स। तो छोटे मशीन वगैरह होते हैं जो या मशीन एग्रीकल्चर में यूज होने वाले मशीन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लाइट ड्राइव होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मीडियम ड्राइव, दे ट्रांसमिट मीडियम पावर एट द बेल्ट स्पीड ओवर 10 मीटर पर सेकेंड बट अप टू 22 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीडियम में आते हैं, जैसे मशीन टूल्स हो गए, हमारे लेथ हो गया, मशीन टूल हो गया, मिलिंग मशीन वगैरह हो गए, ऐसे जो मशीन होते हैं वहां पर मीडियम जो होते हैं वहां पर मीडियम ड्राइव यूज होता है अप टू 22 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से 22 मीटर पर सेकेंड तक के मशीन टूल्स यूज होते हैं। देन हैवी ड्राइव, ये सबसे बड़ा है, हैवी ड्राइव ट्रांसमिट लार्ज पावर एट बेल्ट स्पीड अबाउट 22 मीटर पर सेकेंड। यहां पर बोल रहा है 22 मीटर पर सेकेंड कंप्रेसर एंड जनरेटर्स, ये इसके एग्जांपल हैं।
कंप्रेसर में हमको कंप्रेस करना पड़ता है, चाहे आप वहां पे एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, देन जनरेटर्स वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम में आता है, तो वहां पर जो बेल ड्राइव रखते हैं उसकी क्वालिटी हैवी ड्राइव वहां पर यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेल्ट। फर्स्ट इज फ्लैट बेल्ट, दिस इज द मशीन एंड दिस इज द फ्लैट बेल्ट ओवर दिस मशीन मींस ओवर दिस पुली। इज मोस्टली यूज इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप वेयर मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर व्हेन द टू पुलीज आर नॉट मोर देन 8 meters अपार्ट। मीन्स इफ द टू पुलीज आर नियरर देन दिस टाइप ऑफ फ्लैट बेल्ट इज यूज। देन सेकेंड टाइप ऑफ बेल्ट यूज इज कॉल्ड वी बेल्ट। In the this V shape, this type of belt is used. It is mostly used in factories and workshops where a moderate amount of power to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are very near to each other. Here the pulleys are very near to each other. Then the circular or belt or rope, this type of belt pulleys are used. It is mostly used in the factories and workshop where a moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are more than 8 meters apart. Okay, this is less than 8 meters, this is more than 8 meters, and this is very near to each other. तो वी बेल्ट वाला जो है वो वेरी नियर जब आसपास रहते हैं तब वी बेल्ट यूज करते हैं, 8 meters से कम होता है तो फ्लैट बेल्ट यूज करते हैं, जब 8 meters से ज्यादा दूर होता है ड्राइवर एंड ड्राइवर साफ तब सर्कुलर बेल्ट और रोप यूज करते हैं। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिटेड देन सिंगल बेल्ट मे नॉट बी सफिशियंट, समटाइम्स सिंगल बेल्ट बेल्ट इज नॉट सफिशियंट टू ट्रांसमिट द पावर। इन सच ए केस अ वाइड पुली फॉर वी आर सर्कुलर बेल्ट, दिस वी आर सर्कुलर बेल्ट, नंबर ऑफ वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट आर यूज विद इन ए नंबर ऑफ ग्रुप्स आर यूज देन अ बेल्ट इन ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली। दिस वी कैन शो दैट ए नंबर ऑफ groups are there to transmit the power and number of circular pulleys or this type of number of circular pulleys, okay, or this V-belt pulleys are used for transmitting huge amount of power. Huge amount of power. Power to be transmitted by using a number of ropes or V belt in the bigger size of pulleys. White pulleys are used for this type of for solving the huge amount of power to the police. So the material used for belt are, the material used for belt and rope must be strong, flexible and durable. It must have high coefficient of friction, The belt according to material used are classified as first leather belt, then some more type are used as cotton or fabric belt, rubber belt, bulata belt. So we will discuss all one by one. First is leather belt. It is most important type of belt. The best leather belt are made from
1.2 meter to 1.5 meter long strips cut from either side of backbone of top grade steel hides. The hair side of nether is smoother and harder than the flesh side, but the flesh side is stronger. So here this one is the single layer type of bell. This depends on the direction of motion. This is the direction of motion. So this side is called hair side. And in the double layer bell, this is a double layer bell. At that time, the direction of motion is same. So from here and from here, this is called the hair side. That depends on the direction of motion. This is the double layer bell. The fibers on hair side, this hair side fibers are perpendicular to the surface, while those on flesh side are interwoven and parallel to surface. Therefore, these reasons the hair side of bell should be contact with the pulley surface. This gives a more intimate contact between the belt and the pulley, the hair side. Okay, this hair side having good contact and places the greatest tensile strength or the belt section on the outside where the tension is maximum as the belt passes over the pulley. The leather will be either oak tanned or mineral salt tanned, chrome tanned. In order to increase the thickness of belt, the strips are cemented together. The belts are specified according to the number of layers, single layer, double layer or triple layer, ply, and according to thickness of hides, example, light, medium or heavy. The leather belts must be periodically cleaned and dressed or treated with a compound or dressing containing neem, soot or other suitable oil so that the belt will remain soft and flexible. The leather may be either oak tanned or mineral soft tanned, example chrome tanned. In order to increase the thickness of belt, क्योंकि पतला belt ज़्यादा useful रहेगा, ज़्यादा कट जाएगा, जल्दी कट जाएगा, इसके लिए उसका thickness को बढ़ा देते हैं. The strips are cemented together, तो दो strip को जोड़ देते हैं साथ. The belt are specified according to number of layers. तो ये belt जो होते हैं वो number of layers, कितने layers पे लगे हुए हैं उसके हिसाब से specify करते हैं, like single, double or triple ply, and according to thickness of hides used, कितने hides वहाँ पे use किए गए हैं, then light होता है, medium होता है या heavy होता है, किस तरह के belts ये बने हुए हैं, then the leather belt must be periodically cleaned and dressed. ये जो belts होते हैं, इनको भी cleaning and dressing करनी पड़ती है, रखे. So here the leather belt must be periodically cleaned and dressed or treated with compound or dressing containing neat food or other suitable oil. Means this leather belt can be cleaned with suitable oils or neat food so that the belt will remain soft and flexible. If the belt is kada ho jayega to phat jayega to apna proper work nahi kar payega. Isliye usko soft hone ke liye wahan par या तो ऑयल डालना पड़ता है या उसमें धूल कचरे वगैरह जो रह रहे हैं उसको साफ करना पड़ता है. सो दैट दिस लेदर बेल्ट शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बेल्ट इज कॉटन और फैब्रिक बेल्ट. मोस्ट ऑफ फैब्रिक बेल्ट आर मेड ऑफ फोल्डिंग कैनवास, कैनवास से बनता है, और कॉटन डक टू थ्री और मोर लेयर एंड स्टिचिंग टूगेदर. तो यहाँ पर क्या है, कॉटन वाले पतले होते हैं, उनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसका उसको थ्री, कम से कम थ्री लेयर या उससे ज्यादा भी लेयर के यूज करते हैं. सो दैट या उसको स्ट्रेचिंग करके जोड़ देते हैं सो दैट इट कैन परफॉर्म इस ऑपरेशन.
So here, these cotton bales are woven also into a strip of desired width and thickness. ये भी इनको strip width और thickness के हिसाब से इनको बना सकते हैं. They are impregnated with some filler like linseed oil in order to make the belt waterproof. तो इनको कुछ linseed oil use करके waterproof भी बना सकते हैं and to prevent injury to fiber. तो जो fiber में जो इंजरी रहती है, फाइबर की बेल्ट खराब में लग जाएंगे, उसको थोड़ा कम कर देता है. द कॉटन बेल्ट आर चीपर एंड सुटेबल इन वार्म क्लाइमेट. तो ये कॉटन बेल्ट जो है वार्म क्लाइमेट, जहां गर्म रहता है वहां पर ही ज्यादा अच्छा रहेगा. इन डैम्प एटमोसफियर एंड इन एक्सपोज पोजिशन, मीन्स ऐसे जगह पे जो सभी से एक्सपोज रहे, धूल रहे, डर्ट रहे, हीट रहे, सब जगह, ऐसे जगह पर ये कॉटन बेल्ट जनरली यूज किए जाते हैं. सीन द कॉटन बेल्ट रिक्वायर लिटिल अटेंशन, देयरफॉर दीज बेल्ट आर मोस्टली यूज्ड इन फार्म मशीनरी एंड बेल्ट कन्वेयर एक्सेट्रा. तो इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती कॉटन वाले को, इसलिए इसको बेल्ट कन्वेयर में या फार्म मशीनरी में कहीं भी इनको यूज कर सकते हैं. इनको ज्यादा साफ सफाई वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट इज रबर बेल्ट. They are made of layer of fabric impregnated with rubber composition and have a thin layer of rubber on the face. जो उसका कवर जो होता है वहां पर भी टॉप एंड बॉटम वहां पर भी थिन लेयर ऑफ रबर रहता है. These belts are very flexible but are quicker destroyed. तो रबर का जो होता है बहुत फ्लेक्सीबल होता है बट वो कहीं भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है. If allowed to come in contact with the heat, oil or grease. तो हीट या ऑयल या ग्रीस के कांटेक्ट में आएगा तो खराब हो जाएगा जल्दी. देन द रबर बेल्ट इज एडवांटेजियस ऑफ दिस टाइप, दे आर मे बी इजिली मेड इनलेस. तो रबर बेल्ट जो है वो पूरा ऐसा सर्कुलर बन सकता है, इनलेस, वहां पर कोई जोर की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ पर कॉटन या फैब्रिक बेल्ट होंगे, वहां पर जो कॉर्नर होंगे उसको जोड़ना पड़ेगा, हमको सिलाई करना पड़ेगा, बट रबर बेल्ट वो कंटिन्यूस बन सकते हैं. दिस फाउंड सुटेबल फॉर सॉ मिल, पेपर मिल, वेयर दे आर एक्सपोज टू द मॉइस्चर. तो ये क्या है, ज्यादा सूखे जगहों पे रबर बेल्ट को यूज नहीं कर सकते, बट जहां पे मॉइस्चर होता है वैसे जगहों पे, जैसा पेपर मिल हो गया, ठीक है, एंड सॉ मिल हो गया, ऐसी जगहों पर इनको यूज करते हैं रबर बेल्ट को, ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू सो मच.